हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा सिस्टर डायरी। हाउ आर यू माय यूट्यूब फैमिली? आई होप यू विल बी फाइन, यू विल बी हैप्पी। सो गाइस, वंस अगेन जय श्री राम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा सिस्टर डायरी। हाउ आर यू माय यूट्यूब फैमिली? आई होप यू विल बी फाइन, यू विल बी हैप्पी। गाइज, जय श्री राम, जय हनुमान बजरंगबली। तो गाइज देखिए, अभी हम आ गए हैं और आने के बाद फिर हम सो गए थे। मतलब मैं तो नाइट में ही नहा ली थी, इसलिए क्योंकि नाइट क्या थी, 3 बज गए थे, 3:30। तो मैंने कहा इससे तो अच्छा अभी नहा लें। और उसके बाद गाइज देखिए, अब टाइम हो रहा है 2:00। अब मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। तो गाइज मैं सोच रही हूँ कि अभी आपको गिफ्ट दिखा दूँ। मतलब गिफ्ट क्या है, वहां से जो प्रसाद में हम लेकर आए हैं वो दिखाऊंगी आपको। तो गाइज बने रहना ब्लॉग में, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा। और गाइज एक और बात बताती हूँ, स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं था माइंड में, जो बिल्कुल भी स्ट्रेस हो, खुशी थी, हैप्पीनेस है, और मतलब दिल में उमंगे हैं। तो गाइज बस अब यही है, इसी आशा के साथ। तो गाइज देखिए, अभी हम आ गए हैं और अब मैं सबसे पहले आपको प्रसाद दिखाती हूँ, क्योंकि फिर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हो भी गया है काफी। तो इसलिए मैंने कहा सबसे पहले आपको प्रसाद दिखाती हूँ कि मैं अयोध्या से क्या क्या प्रसाद मिला हमको और क्या क्या प्रसाद हम लेकर आए हैं, और राम मंदिर में कौन सा प्रसाद मिल रहा है, और जो राम जी के जो मतलब भक्त है हनुमान बजरंगबली, तो हनुमान गढ़ी में कौन सा प्रसाद मिला है। तो गाइज सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको पैरट। तो मैंने जैसा कि वीडियो में दिखाया था, वहां भैया बहुत सारे पैरट सेल कर रहे थे और कह रहे थे ये राम राम बोलते हैं पैरट, तो क्योंकि अयोध्या के तो बोलते हैं ना राम राम मिट्टू मिट्टू ऐसे। तो ये देखिए गाइस, तो ये अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम ऐसे। उसके बाद गाइस मैं दिखाऊंगी आपको ये हनुमान बजरंग बली, क्योंकि हमारी कार में ना गाइस जो हनुमान जी है वो उनका कलर काफी लाइट हो चुका है। तो देखिए गाइस, मैंने सोचा ये वाले न्यू ले लें, तो ये हनुमान बजरंगबली लिए हैं हमने। और उसके बाद गाइज मैं दिखाऊंगी आपको, ये लिया है हमने हनुमान गढ़ी से, और हनुमान गढ़ी का ये डिब्बा लिया था हमने, और वहां मिलते हैं हमें इस तरह के लड्डू। ये देखिए गाइज, ये वहां ये वाले लड्डू मिले हैं प्रसाद में हमको। और इसके बाद गाइज मैं दिखाती हूँ, जब हम वहां गए थे हम, तो हमने ये लिए की रिंग है, तो बहुत सारे गाइज, लेकिन अभी आपको मैं यही दिखा रही हूँ। तो ये वाले की रिंग लिए हैं अभी हमने वहां से, ये देखिएगा, ये हैं जय श्री राम वाले, ये की रिंग काफी अच्छे हैं, मजबूत भी हैं, ये वाले लिए थे जिससे सब पर राम जी की कृपा बनी रहे। तो ये वाले की रिंग है, ये वाले की रिंग लाए हैं हम। और उसके बाद गाइस सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि मंदिर के अंदर कौन सा प्रसाद मिला है। तो हनुमान जी के मंदिर में ये वाला प्रसाद है जो वहां मिल रहा है, क्योंकि ये सारी मिठाइयां ना राम जी के, मतलब ये मिठाई मिली है, और जो राम जी के ससुराल से आई थी मिथिला से, जनकपुर से, वो वाली मिठाई हमें वहां मिली थी, तो हमने वो वहीं खा ली थी, खुले में मिल रही थी। क्योंकि जैसा कि आपको वीडियो में बताया गया था ना कि मतलब कितने तरह की, कितने हजार तरह की मिठाइयां पहुंची हैं वहां जनकपुर से, मिथिला से, तो वो वाली मिठाई भी खाने को मिली थी, गोदाम में है वो। और ये वाली मिठाई हमें मंदिर के अंदर ही मिली है, ये वाला। तो ये इसमें तिल जो रेबड़ी होती है ना, गज्जक होती है, उस टाइप का है ये अंदर। और इसके बाद गाइस मंदिर से, मंदिर में हमने लिया है ये राम दरबार, क्योंकि वैसे तो हमने कैलेंडर भी लिया है, लेकिन ये राम दरबार लिया है, ये वाला, इसमें राम सिया और हनुमान बजरंगबली लिए लिए, क्योंकि गाइस मंदिर थोड़ा हमारा छोटा है ना, तो इस वजह से ये वाले हमने लिया है राम दरबार। और इसके बाद दिखाती हूँ गाइस मैं अभी आपको ये मिलती है, ये देखिए गाइस वहां ये मीठे होते हैं, चीनी के गुटके हैं। हमारे गाँव में ना जब हम छोटे थे तब मिलते थे ये, वहाँ गुड़ के भी मिलते थे, चीनी के भी, तो इसलिए लेकर आई थी, ये बचपन की स्वीट मेमोरीज के लिए। और ये रेवड़ी है, और ये वाली ये मिठाई ये जो होती है। और उसके बाद गाइस मैं दिखाती हूँ मंदिर के वहां से हमने जो प्रसाद लिया, वैसे तो सब चीज मिलती है, लेकिन गाइस ये वाली खुरचन जो होती है, ये वाली मिठाई हम लेकर आए वहां से, ये खुरचन है गाइस, देखिए अयोध्या की फेमस मिठाई खुरचन। और ये वाली मिठाई हमें वहां भी मिली थी खाने को, जो राम जी की ससुराल से आई थी वो वाली। और गाइस देखिए, अब मैं एक और चीज दिखाऊंगी गाइस, कि मंदिर के अंदर जो फ्लावर्स लगे हुए हैं, जो 20-22 जनवरी को डेकोरेशन हुई थी ना, तो वहां से हमने भैया से थोड़े फ्लावर्स लिए थे, मैंने कि भैया थोड़े फ्लावर्स दे दो हमें, तो इसे रेजिन आर्ट में प्रिजर्व करवा के रखूंगी गाइस मैं हमेशा के लिए, स्वीट मेमोरीज में। ये देखिए गाइस, आज ही इन्हें सबसे पहले ये दूंगी, ये फ्लावर्स, ये वाले वो फूल हैं जिससे कि हम हमेशा इनको देखते रहेंगे। मैंने कहा भैया थोड़े से फूल दे दो आप, तो कहने लगे नहीं मैम ऐसे नहीं मिलते, मैंने कहा नहीं थोड़े दे दो। तो ये वाले फ्लावर्स है गाइस,
इनकी स्मेल जो फ्रेग्रेंस है ये बहुत ही प्यारी है, स्वीट। ये वाले फूल हम वहां से लेकर आए डेकोरेशन के, ये वाले फूल हैं। और गाइस देखिए, फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि हम ये वाली लेकर आए हैं, सब जो भी प्रसाद में जिनको भी देंगे। ये देखो गाइस, ये हनुमान जी, वो सॉरी राम जी का, राम जी का फोटो है और ये उस पर मंदिर भी बना हुआ है। और गाइस अब एक चीज और मैं बताऊंगी गाइस, कि हम गए थे कन्नौज होते हुए, तो कन्नौज फेमस है गाइस परफ्यूम्स के लिए और धूप बत्ती अगरबत्ती इन सब के लिए फेमस है, वहाँ खुशबू की बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो वहां से हमने ये वाली परफ्यूम्स की बोतल ली थी और इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस है, ये ओरिजिनल है गाइस, ये है इत्र। अभी मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ, बहुत ही टाइट गांठ लगा दी है भैया ने। ये देखिए गाइस, इतनी प्यारी खुशबू है। ये है जो वो होती है ना बेला, बेला की खुशबू है। ये गाना है ना, बेला महका रे महका आधी रात को, इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस है इसकी। और गाइस देखिए, जो भी मुझसे मिलने आएगा मैं उनको ये वाली फ्रेग्रेंस तो जरूर चेक कराऊंगी। और उसके बाद गाइस मैं लेकर आई हूँ ये कोबरा, क्योंकि गाइस जब हम मतलब टीनेजर में थे तब उस टाइम हमारे यहाँ अनूप शहर में यही वाली परफ्यूम मिलती थी, कोबरा वाली ज्यादा, तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। वो वाला टाइम था, अब मैं लेकर आई थी तो वो ओरिजिनलिटी नहीं थी जो पहले मिलती थी, कुछ स्मेल में चेंज थी, मतलब फ्रेग्रेंस चेंज थी। तो अब वहां जाके मैंने देखा कन्नौज में, तो ये वाली खुशबू ना, ये वाली खुशबू बिल्कुल सेम थी उस टाइम की, बिल्कुल स्ट्रांग है बहुत ज्यादा। आप लोग जो भी मुझसे मिलने आएगा ना, सबको ये टेस्ट मतलब ये भी प्रसाद भी मिलेगा और है मेरे पास बहुत सारा, और गाइस आपको ये फ्रेग्रेंस भी मिलेगी। और गाइस उसके बाद सबसे अभी मुझे तो गाइस ये सारी चीजें हैं जो हम अयोध्या से लेकर आए हैं, क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है सब चीज की। तो ये है हमारा प्रसाद गाइस, जिसको भी ये ओरिजिनल फ्लावर्स राम मंदिर के देखने हैं, टच करने हैं, वो आ जाए, प्रसाद खाना है, मुझसे मिलने आए, आप सबका वेलकम है। और अभी रामलला की मैं तस्वीर भी अभी दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड गाइस देखिए, ये है काओ, ये जैसी ली थी कान्हा जी के लिए काओ, तो कह रही मम्मी मैं मतलब मैंने पीतल की तो ला रखी है कान्हा जी के लिए, लेकिन कहने लगी नहीं मम्मी ये काओ सच में ही काओ है, तो ये देखो तो ये कान्हा जी के लिए। और सबसे लास्ट में दिखाऊंगी मैं अपने रामलला की तस्वीर जो बिल्कुल ओरिजिनल है गाइस, ये देखिए अभी इसे मैं ना वो कराऊंगी, फ्रेमिंग कराऊंगी, डबल फ्रेमिंग और लाइट लगा के। ये देखिए, ये है मेरे रामलला, देख लीजिए, जय श्री राम प्रभु सबकी रक्षा करें, राम जी सबकी लंबी उम्र करें, सबको खुशी दें, हेल्थ दें, वेल्थ दें, सबके घर में खुशियां आए और भंडार भरे रहे, और रामलला सबको बुलाएं, आप सबको भी अयोध्या में दर्शन दें। और गाइस देखिए, मैं एक और बात बताऊंगी आपको कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं नेट वगैरह के थ्रू, तो वो सब कुछ गलत है। मैं आपको एक बात बताऊंगी, इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है आप बिल्कुल भी, के इतने लाख श्रद्धालु आए हुए हैं, वहां आते हैं और चले जाते हैं गाइस, बिल्कुल ज्यादा भीड़ नहीं है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ है मोदी जी ने, तो बिल्कुल भीड़ भाड़ कुछ नहीं है, सब कुछ अरेंजमेंट है, मोबाइल फोन भी ज्यादा अलाउड नहीं है, मतलब आप बंद हो जाएंगे जाने ले जाने, सबके लॉकर वगैरह है, वेटिंग रूम भी है, बहुत अच्छा है, कोई ना डरे इस अफवाह से, जिसका मन है प्रभु के दरबार में जाने का तो बेखटक जाएं। और हर जगह पार्किंग्स है, हर जगह ऑटो और ई रिक्शा अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आपको मैं ये बताऊंगी गाइस, पहले आप यहाँ से जाएं तो उसमें सरयू नदी में स्नान करें, फिर जाएं हनुमानगढ़ी, उसके बाद राम मंदिर जाएं, लेकिन हमने थोड़ा सा हमारा और उसके बाद फिर दशरथ जी के मंदिर जाएं, हमारा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, लेकिन बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो गाइस जरूर जाएं और राम जी के दर्शन करके आएं, बिल्कुल ना डरें। और ये मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ के मुकाबले वहाँ गर्मी है थोड़ा, तो जिनकी जिनका प्रोग्राम है ना जाने का, 100% अभी चले जाएं, क्योंकि आगे बहुत गर्मी बढ़ जाएगी। और सब कुछ बहुत अच्छा है, अयोध्या दुल्हन की तरह सच में सजी हुई है, और ट्री है ना, ट्रीज पर भी इतने डेकोरेटेड वो लाइटें लगी हुई है, और एक सूरज चौक है
वो भी बहुत प्यारा, वहां इतने बड़े बड़े सूरज लगे हुए हैं जगह जगह, तो बहुत अच्छा है गाइस। जय श्री राम। आई होप आपको प्रसाद जरूर पसंद आया होगा और आप लोग भी सोचेंगे कि आपको राम मंदिर का प्रसाद मिले, तो गाइस मुझसे मिले, मैसेज करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। गाइस देखो आप तो प्लीज जरूर लिख देना, जो भी मेरे अपने हैं और जो भगवान राम जी को मानते हैं, एक बार जय श्री राम जरूर लिखें, जिससे मुझे भी खुशी हो और भगवान राम जी आपको अपने दरबार में बुलाए। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू ए लॉट माय यूट्यूब फैमिली। इस तरह से ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहे और जय श्री राम। और गाइस टाइम हो रहा है 2:30, आज है संडे और मैं दिखाती हूँ आपको अपनी गली का व्यू जो आपने बहुत दिन से नहीं देखा। और हेलो बोलो यूट्यूब फैमिली को, नाम बताओ अपना। और दीदी कहाँ है अभी का? अच्छा वहाँ है अभी का। तो गाइस मैं दिखाती हूँ आपको व्यू गली का, ये देखिए, और इधर देखिए, ये है मेरा प्लांट। और आपको एक बार फिर दिखाती हूँ अपने कोचिंग सेंटर का व्यू, ये देखिए गाइस। हाय राम, ये प्लांट कैसे टूट गया मेरा, यार ये अभी का भाग के। और वो भैया सेल कर रहे हैं बैंगल। कहाँ जा रही हो? खेलने जा रही है। बाय करो यूट्यूब फैमिली को। और गाइस देखिए ये आ गया जिगर और बाबू को लेके है, कहाँ कहीं ना जा रही है। बाबू कहते माँ, मेरी बेटी आ गई। बाबू कहते माँ इधर देख, इधर बोल दे माँ, हेलो बोलो सबको। नाम बताओ अपना। केशव मित्तल। कितना प्यारा। तो गाइस देखिए ये आ गए मेरे बाबू। क्या लाया है? तोड़े हैं। कैसे खेलेगा? मैं तोड़ूंगी, दिखा दे। अच्छा हेलो बोल दे सबको। और कह दे सबसे, कह दे बाबू, सबसे कह दे माँ, और सबसे बोल दे दीदी, और सबसे कह दे ना, और कह दे बाबू, हाँ बाबू, लव यू कर दे सबको, लव यू। कई दिन बाद मिला, आज तुम्हारे अयोध्या चले गए थे तो बहुत दिन बाद मिला। अच्छा हाँ हो गया दो का। तो भैया क्या बेच रहे हैं आंटी, क्या बेच रहे हैं? गिर जाएगा ना, मैं चढ़ा हुआ जा कंगा वंगा दिख रही। कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? तो चल मेरी बेटी को मैं पैरट लेकर आई थी, या दिखाऊं? रुक जा भी बाबू, ये देख मेरी बेटी के पैरट। अब मिट्टू 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 ले ले। आई गिर गए, आई गिर गए मेरे बाबू के सारे पैरट, ले ले। हाँ बोल रहा है तो सारा, इधर देख इन्हें बिठा। तो गाइस ये है कौशल, हेलो बोलो यूट्यूब फैमिली को। आज कौशल बोल तो, हेलो। आज गाइस मैं कहीं जाने को रेडी हुई थी, फिर जा नहीं पाई, कि आज मैं कहीं जाने के लिए रेडी हुई थी जा नहीं पाई, तो वो चीज मुझे घर पे ही आ जाएगी, आपको दिखाऊंगी क्या है ना। और अभी दिखाती हूँ बाहर का दूसरी साइड का व्यू, ये देखो मम्मी और ये रहा बाबू, अपनी तैयारी करेगा, हेलो। और ये रही मम्मी, मम्मी जी। और अभी बाहर का व्यू दिखाती हूँ गाइस इधर का, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है घर में रुक के। ये देखो ये है नाले की साइड का व्यू, ये देखो, और आसमान में क्लाउड्स हैं देखो कितने ज्यादा। ये वाला घर बड़ा अच्छा लगने लगा गाइस, देखो न्यून कलर का। और ये रही हमारी टिगोर, पानी पीती है ना गाइस, देखो अपना पानी गर्म करा है। कौशल चाय ना बना दे बाबू, देख तुम भी पी लेना, ठंड हो रही है, ठीक है, नहीं होने की देर। और ये देखो जिगर बाबू कैसे किस किस पोजीशन में खाना खा रहा, देखो ये देखो गाइस, लोट लोट के है अंधेरे में लेट के खा रहा सब्जी, क्या नहीं ले ली भैया, सीधा बैठ के खा लिया कर। ये तो फैमिली को हेलो बोल, नहीं दुल्हन क्या कर अंधेरे में खा कर रोटी, दुल्हन बन के बैठा, दुल्हन की तरह अंधेरे में खा रहा बैठ के। तो गाइस आज हमारे यहाँ खाने में बनी है दाल और गाजर मटर आलू की सब्जी और रोटियां,
और ये है जिगर, ये देखो इसकी गर्मी तो आ गई गाइस, ये देखो पतला लग रहा है सच में, देख वीडियो में। और ये कौशल, हाँ जिस तुम इन साथ ले जा करो ना, काले कपड़े में ले जा करो ना बॉडीगार्ड। पता क्या होगा, ये टीचर तो बाउंसर भी साथ लेकर आवे, बाउंसर को ऐसा गन तो दिलवानी पड़ेगी गन तो ले लिया करती प्लास्टिक की। सही कह रहा है, ये बात तो मेरे लिए अफर तुम्हारी गालू बनेगी। बाबू ने कौशल तो उतार रखे हैं, बाबू तेरे पैरेट ले ले, कौशल ने ले लिए यार सच में पैसा है भैया, बाउंसर भी साथ लेकर आवे, वो अच्छी पोस्ट पे है, इसका मतलब तुम्हारी गालू बनेगी। तो एक तो ये बाउंसर हो गया, एक ये हो गया बाउंसर, क्यों ना है, दोनों ही बाउंसर है, और एक कौशल हो जाएगी सपना चौधरी की तरह। साले ये मार में दे देगा। ऐसे आऊं तेरा सिर खड़ा पहरे पे, मैया भवन में कैसे आऊं तेरा सिर खड़ा पहरे पे, मैया शेर खड़ा पहरे पे, मैया शेर खड़ा पहरे पे, मैया भवन में कैसे आऊं तेरा शेर खड़ा। और बढ़िया भैया, नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा, तुझे पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। हाँ मिलेगा, प्यार कर रहा है भैया, प्यार कर रहा है। नमस्ते कर, नमस्ते कर, नमस्ते कर दे। तो गाइस देखिए ये है कौशल, मेरे घर की रखवाली, जब मैं स्कूल चली जाती हूँ, कोचिंग चली जाती हूँ, तो यही घर का ख्याल रखती है, पूरे दिन यही घर में रहती है, मेरी अम्मा का, मेरे घर का, मेरे सबका, सबका ख्याल रखती है, घर का भी ख्याल रखती है, और उसके बाद सारा काम बिल्कुल साफ सुथरा बढ़िया करके जाती है, मतलब कोई भी कमी नहीं छोड़ के जाती, बहुत ध्यान रखती है घर का। तो ये भी हमारा फैमिली मेंबर है, ये हमारी दीदी, कौन बोलो, मेरी दीदी, हाँ ये मेरी बहन, बहन छोटी दीदी हो गई, बड़ी छोटी बहन है ये जब तुम मेरी भाभी हो तो मैं तुम्हारी दीदी हो गई। हाँ अच्छा, भाभी बना रहे हैं तो मेरी, ये मेरी भाभी है, लेकिन क्या, हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई रिलेशन हो प्यार होना चाहिए। हाँ तो गाइस देखिए हम दोनों, तो आज मैं संजय में इसके पास हूँ, बड़ी खुश है ये, और अब मेरे लिए बना रही है चाय गर्मा गर्म अदरक वाली, और कड़क चाय नहीं, अगर तुम्हें पीनी हो तो तुम भी आ जाओ। हाँ देखा कुछ आता है, कहती है मुझे वीडियो में बोलना नहीं आता, और देखा आपने इनका डांस देखा हो, इनकी क्या लग रही है। कि अभी मैं, मेरा सारा काम हो चुका है और मैं करूंगी अब वीडियो अपलोड, क्योंकि टाइम हो रहा है 3 o'clock, और उसके बाद देखो आज आज का टाइम है मेरे पास, क्या हुआ बोल लेगा ले। तो भाई मेरे पास आज आज का टाइम है, इसलिए मुझे सबसे पहले एक काम करना है, वीडियो अपलोड करनी है सारी आपके लिए, कम से कम 5-6 वीडियो डालूंगी। तो गाइज बस सब आप सब एंजॉय करना वीडियोस को और एंटरटेन करना, और उसके बाद कल से तो गाइज हमारी क्लासेस हैं, स्कूल है और कोचिंग है, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, ट्यूशंस,